फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला दानी। मसाला दानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दही भल्ले का रेसिपी शेयर करें, तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत सॉफ्ट स्पेशल दही भल्ले, जिनके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही सीक्रेट मसाला, और साथ ही साथ भल्ले को कैसे सॉफ्ट बनाया जाए उसके लिए मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाली हूँ। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी फॉर टुडे। मैंने यहाँ 1 कप उड़द दाल को, व्हाइट उड़द दाल को 6 to 7 आवर्स के लिए सोक कर दिया था। देखिए, अच्छे से दाल भीग चुकी है और थोड़ी पफ अप भी हो गई है। अब देखिए, हम हाथ से भी बहुत आसानी से इसे ब्रेक कर पाएंगे। सी, इट मीन्स हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब इस दाल का हम पूरा पानी ड्रेन आउट करके इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे। सारी दाल को ट्रांसफर करेंगे और इसे ग्राइंड करते वक्त इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 1, अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो आप ठंडा पानी डालेंगे, यानी कि कोल्ड वाटर। मैं इसके साथ में इसमें 1/2 इंच जिंजर डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, और साथ ही में थोड़ी सी हींग, अबाउट 1 पिंच ऑफ हींग। यहाँ हमारी दाल पूरी पिस के रेडी हो गई है। अब देखिए, मैंने इसे यूज करने के लिए अब 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर यूज किया है और ये अभी बहुत थिक कंसिस्टेंसी में है। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे, एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। अब इसी दाल के मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। तो फ्लेवर के लिए करी लीव्स को मैंने चॉप कर लिया है, साथ में जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन तीनों चीजों को हम दाल के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज, जब भी आप दाल को मिक्स करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में हमें हाथ घुमाना है। अगर आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं तो उसी में घुमाइए, ताकि हमारी जो दाल है बहुत अच्छे से फ्लफी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। हमारे भल्ले बहुत सॉफ्ट बनेंगे। मैंने अच्छे से दाल को मिक्स कर लिया है। आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारी दाल बिल्कुल रेडी है कि नहीं। अब हम इस दाल को थोड़ा सा लेंगे हाथ में और एक कटोरी के पानी में इसे ड्रॉप करेंगे। ये देखिए, सो जैसे ही हमने इस दाल को डाला और हमारी दाल बिल्कुल ऊपर आ गई, यू नो दैट मींस आवर दाल इज परफेक्टली ब्लेंडेड। दैट्स टिप नंबर 3, ये जरूर चेक करें। तो आइए अब इसे फ्राई करते हैं। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल रही है, आप इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं, और छोटे छोटे इनके शेप बनाकर आप इसे डीप फ्राई करेंगे। दिस इज वेरी इजी, बड़े आराम से। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ठीक है दाल की तो आप बहुत आराम से इन्हें फ्राई कर पाएंगे, शेप दे पाएंगे। नाउ अनदर शेप ऑफ दही भल्ला, आप इसको हाथ पे रखकर थोड़ा सा पानी लगाकर ऐसे फ्लैट कर सकते हैं और इसे आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये मेनली 2 शेप्स ऑफ दही भल्ला है जो आप ट्राई कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है। चलिए, एक बारी में अराउंड 7-8 भले तो आपके बहुत आराम से बन जाएंगे। तो अभी ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें इन्हें रखे हुए, और ये दही भल्ले अब हमारे देखिए ये ऑलरेडी फ्राई होके ऊपर की तरफ आ गए हैं। इट फर्स्ट थिंग दिस शोज दैट आवर दही भल्लास आर टर्निंग आउट वेरी सॉफ्ट, और सेकेंडली ये कुक भी हो चुके हैं। हमें इन्हें बहुत डार्क फ्राई नहीं करना है, सो लाइट गोल्डन कलर तक इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए, हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग। सो आवर फर्स्ट लॉट इज ऑलमोस्ट रेडी, इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनको। सो अबाउट 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। चलिए, एक लॉट हो चुका है, अब मैं सेकेंड लॉट के भले इसमें डाल रही हूँ। सो इस 1 कप उड़द दाल से मैंने अबाउट 25 भले बना लिए हैं मीडियम साइज के। देखिए, ये भी ऑलरेडी हमारे कुकों के ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहे हैं। चलिए, इन्हें निकालते हैं और साथ ही साथ मैं इसका सीक्रेट मसाला बनाना भी स्टार्ट करती हूँ। सो
सीक्रेट मसाला बनाने के लिए मैंने रोटी वाले लोहे के तवे को गरम कर लिया है। इसे मैंने 3 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून अजवाइन को लो फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ। देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है। तो जब तक ये रोस्ट हो रहे हैं, मेरे ये जो भल्ले फ्राई हो रहे हैं मैंने निकाल लेती हूँ। दिस इज द सेकेंड लॉट डन और अभी भी मेरी थोड़ी सी दाल बची है। जीरा रोस्ट हो चुका है। अब इस जीरा में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून नॉर्मल नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून ऑफ पुदीना पाउडर। सब चीज़ों की क्वांटिटी सेम रखी है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसे हमें मिक्सी में नहीं ग्राइंड करना है, हाथ से आप ऐसे किसी चीज़ में इसे ग्राइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे चकले बेलन से भी यू नो ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। आइए चेक करते हैं हमारे भल्ले कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए ये अभी फ्राई हुए हैं और इतने सॉफ्ट हैं, हाथ लगाने से एकदम दब रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने हैं। अब इन भल्लों को मैंने 10 मिनट्स के लिए गर्म पानी, ऑलमोस्ट वार्म पानी में मैंने भिगो दिया था। लुक एट दिस, कितने सॉफ्ट हैं ये, और सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनका पानी रिमूव करके हल्का सा डैप करके इन्हें हम सर्विंग बोल में डाल लेंगे। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये नेस्ले का पैकेट वाला कर्ड है। मेरे पास हरी चटनी थी और उसी के साथ मैं खट्टी मीठी चटनी भी डालूंगी। इन दोनों चटनियों की रेसिपीज मैं लिंक में डाल रही हूँ, आप इन्हें हमारी रेसिपी के हिसाब से बना सकते हैं। और इसी के साथ जा रहा है हमारा सीक्रेट मसाला। ये चटपटा मसाला हमारे भल्ले का टेस्ट इतना डबल कर देगा आप देखेंगे। मेरे पास कुछ अनार है, आप अनार या फिर इसमें यू नो आलू भुजिया कुछ भी डाल के सर्व कर सकते हैं। देखिए दही भल्ले बिल्कुल रेडी है हमारे सर्व करने के लिए। थोड़ा आप इन्हें चिल करके खाइए, बहुत टेस्टी लगेंगे। इसमें आप पापड़ी डाल दीजिए तो ये भल्ला पापड़ी बन जाएंगे। तो देखिए एक काम में 2 डिशेस बन गई आपकी। तो आप हमारी रेसिपी से दही भल्ला ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे बनेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स को गेस्ट को बहुत पसंद आएगा। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट अस नो हाउ इट वॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला दानी।